तो चलिए अगली खबर आपको लखनऊ से बता दें, जहां पर रामनगरी में पर्यटकों के लिए टूरिस्ट गाइड तैयार किए जा रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा के बाद बड़ी संख्या में आएंगे पर्यटक। पर्यटकों के लिए 135 टूरिस्ट गाइड किए गए हैं तैयार। 14 भाषाओं में बात कर सकेंगे टूरिस्ट गाइड। टूरिस्ट गाइड को दिया गया है 10 वर्ष का लाइसेंस। पौराणिक और आधुनिक स्थलों की देंगे जानकारी। तो आपको बता दें, रामनगरी में आने वाले पर्यटकों के लिए तैयारियां शुरू हो गई है। वहीं इसको लेकर आप जो टूरिस्ट गाइड है उन्हें तैयार किया जा रहा है। कुल 135 जो टूरिस्ट गाइड है उन्हें तैयार किया जाएगा। उन्हें 14 भाषाओं में बात कर सकेंगे ये टूरिस्ट गाइड। तो आपको बता दें, प्राण प्रतिष्ठा के बाद की भी जो तैयारियां हैं वो की जा रही हैं। प्राण प्रतिष्ठा के बाद जो पर्यटक है जिनके आने की आशंकाएं जताई जा रही है, उनको लेकर टूरिस्ट गाइड की तैयारी की जा रही है। टूरिस्ट गाइडों को तैयार किया जा रहा है। कुल 135 टूरिस्ट गाइड है जिन्हें ट्रेनिंग दी जा रही है। रामनगरी में पर्यटकों के लिए इन टूरिस्ट गाइड को तैयार किया जा रहा है। तो बता दें, प्राण प्रतिष्ठा तक ही नहीं, प्राण प्रतिष्ठा के बाद भी जो पर्यटक हैं उनके लिए जो प्रशासन है वो तैयारियां कर रहा है। लगातार टूरिस्ट गाइड को ट्रेनिंग दी जा रही है, साथ ही 10 वर्ष का लाइसेंस भी दिया जाएगा। पौराणिक और आधुनिक शस्त्रों स्थलों की देंगे जानकारी।